हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनी, आप देख रहे हो नेचुरल ब्यूटी एंड ब्लॉग्स बाय सोनी। कैसे हो आप सभी? और मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो है क्वेश्चन एंड आंसर पे। बहुत से लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मैं आपके आंसर दूंगी दूंगी दूंगी, बहुत सारे दिन से टल रहा था। पर आज मैं सोच रही क्यों ना आज आप लोगों को जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं मैं उनके आंसर दे ही देती हूँ आपको। और बहुत गर्मी है दोस्तों, देख सकते हो पंखा बंद है, एक नंबर पे चल रहा है, बट गर्मी इतनी लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मुझे बंद करके करना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं बंद नहीं करूँगी तो आवाज़ नहीं आएगी, है ना। वैसे ही मेरी आवाज़ बहुत धीमे धीमे निकलती है, बच्चों को डांटना हो ना तो बहुत तेज़ निकलती है, लेकिन ऐसे बहुत धीमी धीमी कैमरा के सामने आती पता नहीं क्या हो जाता है, है ना। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार मैं अपने वीडियो बता चुकी हूँ, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन अब उनको शायद नए जुड़े होंगे, नहीं मालूम होगा। तो उन्होंने पूछा है मुझसे कि दी आपका पिन नंबर आ चुका है क्या? तो हाँ, मेरा पिन नंबर पहले ही आ चुका है दोस्तों, नवंबर में ही आ चुका है पिन नंबर मेरा। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है, आप इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और मैंने हर वीडियो में बताया भी है और फिर भी ये पूछा जा रहा है इतने दिनों से कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, आप यूट्यूब पे एक्टिव क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो। तो मैं बता चुकी हूँ दोस्तों, मेरे पापा की पहले तो ससुर जी की तबीयत ख़राब थी, उस वजह से नहीं डाल पा रही थी। फिर एक रीज़न और भी कुछ हो गया था जो कि वैसे ऐसे चलता रहा, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना वापस, तो अब नहीं जाऊँगी, है ना। कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच मुझे याद रखने के लिए और ये क्वेश्चन पूछने के लिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है मेरे से, थैंक यू सो मच। उसके बाद एक लोगों ने पूछा है कि गणपति गुलाब जल आँखों में डाल सकते हैं? तो मैंने गणपति गुलाब जल मंगाया था और उसका रिव्यू मैंने किया हुआ है अपने चैनल पर, वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि गणपति गुलाब जल जो है वो हम आँखों में डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आप जो है उसको अपनी आँखों में डालें, क्योंकि मैंने अपनी आँखों में यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप इसे आँखों में डालें, बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि मैंने इसे यूज़ नहीं किया। आपने मेरे से पूछा है इसलिए मैं इसका जवाब दे रही हूँ, मैंने नहीं डाला है, तो मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप इसे डालें। ठीक है, बिल्कुल मत डालिए। अगर आपने डाला है कभी पहले तो आप डाल सकते हो, मैंने कभी नहीं डाला है कोई भी गुलाब जल, तो मैं आपको नहीं कह सकती कि आप इसे डालें। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है, मैम आप होम रेमेडी शेयर कीजिए, आप होम रेमेडी क्यों नहीं डालते हो? तो मैं डालूंगी, बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, कोशिश कर रही हूँ मैं कि मेकअप के वीडियो डालूँ और रेमेडी भी डालूँ, ब्लॉग भी डालूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। ठीक है, मैं ज़रूर डालूंगी, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। तो एक लोगों ने सवाल पूछा है कि सोनी मैम आपने जो हेयर ऑयल शेयर किया था उससे मेरे बाल झड़ना बंद हो गए, प्लीज़ आप और भी हेयर ऑयल शेयर करिए। मैं कह रही हूँ ज़्यादा सॉरी, और भी हेयर ऑयल शेयर करिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, वो इसलिए क्योंकि आपने इस हेयर ऑयल को बनाया, अपने ऊपर अप्लाई किया, उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, इसके लिए आपको सबसे बड़ा वाला थैंक यू। और मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ और भी अच्छे अच्छे हेयर ऑयल शेयर करूँगी जिससे आपको फ़ायदा पहुँच पाए, थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए। नेक्स्ट जो है वो पूछा है, मैम आपके ब्लॉग अच्छे होते हैं? सो थैंक यू सो मच। वैसे मैं कोशिश तो करती हूँ पर मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं बनाती हूँ, मैं अपनी सच्चाई की बात बताऊँगी, मैं ब्लॉग बहुत जल्दी जल्दी मैं बना पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अच्छे से बनाऊँ ना तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे सारे काम बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं, तो उसके लिए सॉरी। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा कर पाऊँ और मैं सीख रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर तो सीखने की चीज़ है, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतनी चीज़ें सीखते जाओगे, है ना, एक्सपीरियंस होता है चीज़ का। और जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनको इतना नहीं मालूम होता है, जैसे कि जब मैं आई थी, एक दिन बात करूँगी इस टॉपिक पर भी, पहले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रूर थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है ना सोनी मैम, बहुत सुकून मिलता है सच्ची। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मैम आप अपना पूरा मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून रूटीन शेयर कीजिए। तो बिल्कुल शेयर करूँगी, आपने पूछा है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, जो हमारी ऑडियंस को पसंद होगा वो हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच पूछने के लिए और कहने के लिए, करने के लिए। ठीक है, मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग का तो थोड़ा लंबा फंस जाता है, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, आपकी यूट्यूब से सैलरी आ गई? ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा है। तो यूट्यूब से सैलरी अभी नहीं आई है दोस्तों, सिर्फ पिन नंबर आया है, अभी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, मुझे नहीं पता। बस मैं काम कर रही हूँ अपना यहाँ पे, बाकी भगवान की मर्ज़ी है, अपना काम करते रहेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा। बस यूट्यूब पे रहना अच्छा लगता है,
बस अपने आप को देखना अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, जब आएगी तो हम आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे, सबसे पहले आप लोगों का हक बनता है और आपको ही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दी, आपके आपको कितने ईयर हो गए यूट्यूब पर? तो मुझे दोस्तों 2 साल हो चुके हैं, दिसंबर में 2 साल हो गए हैं यूट्यूब पर आए हुए, क्योंकि मैंने लगातार काम यूट्यूब पर नहीं किया, बीच बीच में छोड़ दिया। अभी मैंने मार्च से लेके अभी तक मैंने कोई भी ब्लॉग ज़्यादा शेयर नहीं किए हैं, तो मैं छोड़ दिया था बीच में, फिर उससे पहले भी मैंने कई बार छोड़ दिया है, तो इस वजह से मेरा ना अटक अटक के चल रहा है। अगर मैंने लगातार वर्क किया होता तो शायद अभी तक हम बहुत आगे बढ़ गए होते। ठीक है, और एक लोगों ने पूछा है, मैम प्लीज़ आप अपने डेली ब्लॉग, अपने ब्लॉग जो है वो डेली शेयर करें। तो बिल्कुल शेयर करूँगी, और मैं सोच रही हूँ सब चीज़ शेयर करूँ, बिल्कुल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है, डेली ब्लॉग शेयर करूँगी और मैं करती भी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन में मेरा एक ब्लॉग आ ही जाता है। उसके बाद एक लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ दी अब आप यूट्यूब मत छोड़ना। हो क्या बात है, ये पूछा है ममता श्रीवास्तव ने, और थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक यू सो मच। आप YouTube मत छोड़ना, कितना अच्छा लग रहा है कोई अपना भी पूछता है YouTube मत छोड़ना। वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमेशा ही कहते हैं आप YouTube पे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। मतलब सब YouTube पे हैं तो सब एक दूसरे को केयर करते हैं, कोई गायब हो जाता है तो सब पूछते हैं क्यों आप इतने दिन से कहाँ थे। हम ही लोग पूछने लगते हैं जब कोई बहुत दिन से नहीं दिखाई देता आप कहाँ थे, है ना। तो थैंक यू, नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, आप कह रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, थैंक यू सो मच ममता जी। और एक लोगों ने कहा, पूछा है क्वेश्चन, मैम आप लाइव आओ। तो मैं एक दिन लाइव आई थी, अभी आई थी, इस वीक से पहले आई थी मैं लाइव, लेकिन थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए रही हूँ मुश्किल से, क्योंकि कोई काम आ गया तो मुझे लाइव बंद करना पड़ा चलते चलते। ठीक है, तो मैं ज़रूर आऊँगी किसी दिन लाइव टाइम निकाल के, 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ज़रूर आऊँगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो है, चैनल मोनेटाइजेशन कैसे होता है? तो दोस्तों ये बहुत लंबा क्वेश्चन, अगर मैं इसका जवाब दूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं सीधा सीधा आपको एक चीज़ बता देती हूँ। चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आप टेक्निकल योगी जी की वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे अपलोड करना है, कैसे मोनेटाइजेशन होता है, कैसे क्या करना होता है, कैसे चैनल बनाना होता है, सब कुछ योगी जी के, या फिर इसरार टेक्निकल इसरार जी की वीडियो देखिए, आप इन दोनों में से किसी का भी वीडियो देख सकते हो। वैसे तो टेक के बहुत ज़्यादा चैनल हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इन्हीं को फॉलो करती हूँ, तो आप भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा। और रही बात इसकी चैनल पर कितने कब बनाया जाता है, कैसे क्या होता है, कब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या कितने सब्सक्राइबर पर लाइव कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ, वो भी नेक्स्ट उस पर बता सकती हूँ। सबसे पहली बात तो ये, 1000 जब आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब आपको कम्युनिटी मिलती है। उसके बाद जब आपके 4000 घंटा वॉच टाइम आपके चैनल पर कंप्लीट होता है, तब हमें करना पड़ता है अपने चैनल के लिए मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई। फिर उसके बाद जब अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऐड लगाने, जब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है उसके बाद हमें जो है ऐड लगाने होते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, किसी किसी का लग बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, मेरा लग इतना अच्छा नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है यहाँ पर, तब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। और क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ उस पर कुछ ना कुछ अटक ही जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है यहाँ पर। और एक लोगों का क्वेश्चन आया है कि दी आपको बिंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, ये क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे भी एक लोगों ने पूछा था, और क्या आप बिंदी लगाते हो, वो भी डार्क कलर की, आपको लगता है बिंदी लगाने का बहुत शौक है, बल्कि आज की जनरेशन में बिंदी लगाना लोग बहुत कम पसंद करते हैं। तो मुझे शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है बिंदी लगाने का, छोटी से लेके बड़ी से लेके बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी डार्क कलर की बिंदी लगाना पसंद है। लाइट बिंदी लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वाइट बिंदी लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो चमकती है ना वो मुझे डार्क कलर की बिंदी बहुत पसंद है, ग्रीन ब्लू मरून कलर, सबसे ज़्यादा मरून कलर पसंद है। तो यस, मुझे बहुत पसंद है और मैं लगाती भी हूँ, आपने देखा भी होगा, मुझे बिंदी छुट्टी नहीं मिलेगी मेरे चेहरे पर, हमेशा लगी मिलेगी, चाहे बड़ी मिले या छोटी मिले। अब कुछ लोग मुझे देख के अम्मा भी कहते होंगे, तो इसके लिए वो आपकी मर्ज़ी है, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, क्या कहते हैं वो आपकी मर्जी है, मुझे तो मुझे जो पसंद है वो मैं करती हूँ। ठीक है, तो ये तो थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऐसे हैं जो कि बहुत सारे जो है, बहुत लोगों ने अजीब अजीब से सवाल पूछे हैं जिनका मैं जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझती हूँ। अगर आपने आइडिया लगा लिया होगा कि मैं कौन से सवालों की बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, मैं उन ऐसे लोगों का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है, तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों ने सवाल पूछे हैं उनके मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे आपके। ठीक है, और आज मैंने टाइम निकाल के, और मुझे इस वीडियो को शूट करने में 1-1.5 घंटा लग गया है दोस्तों, गर्मी में आप देख ही सकते हो क्या हालत हो रही है, सच्ची में गर्मी कब जाएगी, सच्ची गर्मी चली जाए। तो चलिए दोस्तों,
आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अब हम वीडियो का करते हैं एंड, और इसके बाद जो ब्लॉग आएगा, वैसे इससे पहले, इस वीडियो से पहले आने वाला था ब्लॉग, क्योंकि मैंने उसको जो है एडिट कर रही थी, उसको अभी थोड़ा बाकी एडिट करने में, लेकिन मैंने सोचा चलो आज इसको मैंने क्वेश्चन सबके लिख लिए थे, तो मैंने कहा चलो अब इसके जवाब दे ही देते, फिर उसके बाद वो ब्लॉग डालेंगे, तो इसके बाद आएगा ब्लॉग, ठीक है ना। और आप लोग, यहाँ पे बारिश हो रही कि नहीं मुझे ज़रूर बताना, मेरे यहाँ पे तो हो ही नहीं रही है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो वैसे ही बारिश कम होती है, ऊपर से इतनी गर्मी है कि पूछो मत, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतनी सारी केयर करने के लिए, थैंक यू सो मच आपको, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय।